हेलो फ्रेंड्स, कॉटन जिसे कपास और कापूस भी कहा जाता है, आज उसे हम सीड्स से ग्रो करने वाले हैं। ये देखिए कॉटन के सीड्स इस तरीके से होते हैं। कॉटन सा लगा होता है सीड्स के ऊपर। इसे मैंने 12 घंटे भिगोकर रखा था, ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटे भिगोकर रखे, उससे ज़्यादा भिगोकर ना रखें। भिगोने से ये होता है कि जो शेल होता है वो नरम पड़ जाता है और सीड्स जो होता है जल्द स्प्राउट करते हैं। बिना भिगोए भी लगा सकते हो, कुछ दिन का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन जर्मिनेट ज़रूर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सीड्स है ये डार्क वैरायटी के सीड्स है, यानी कि इसे आप कंटेनर में भी लगा सकते हो। खेतों में मैंने लगे देखे हैं और हार्वेस्टिंग भी की है कॉटन की, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो उसे देखकर तो मुझे लगा था कि मैं कभी इसे लगाऊंगी ही नहीं, लेकिन जब मैंने सेलर की इमेज देखी जो कि उन्होंने अपलोड की थी, तो काफ़ी खूबसूरत थी। 8 से 10 इंच साइज़ के पोट में लगा था कॉटन, और कॉटन बहुत सारे लगे थे उसमें। उन्हें ही देखकर मैंने इसके सीड्स उनसे परचेज़ कर लिए। इनके साथ जो है मुझे पोटुलाका के सीड्स भी गिफ्ट मिले थे, जिसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो वो भी आप देख सकते हो। आज मैं इसे लगा के बताने वाली हूँ। इसके लिए जो मैंने पोट साइज़ लिया है उसकी चौड़ाई है 10 इंच और गहराई है 9 इंच। ड्रेनेज होल बना हुआ था, कवर कर लिया है मैंने, और पॉटिंग मिक्स में मैंने लिया 1 पार्ट सॉइल, 1/2 सैंड, 1/2 कोकोपीट और 1/2 कंपोस्ट। कंटेनर में लगा रहे हैं तो मॉइस्ट रहना चाहिए, इसलिए मैंने कोकोपीट भी मिलाया है। खेतों में तो नमी रहती है तो उसमें अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो ये फ्रेंड देखते हैं इसे लगाना कैसे है। लगा लेते हैं इसे। सेंटर में बस एक छोटा सा होल करना है आपको, इस तरह से छोटा सा होल करेंगे, ज़्यादा गहरा नहीं लगाना, बस कवर होना चाहिए ये सीड्स। लगाने के बाद इसे पानी दे देंगे, इसे रखेंगे सेमी शेड में। टेम्परेचर के हिसाब से रखना है, जैसे आप मार्च अप्रैल में लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो तब आप ग्रीन नेट का यूज़ करें, या ऐसी जगह रखें जहाँ इसे धूप मिले लेकिन ज़्यादा धूप ना मिले। अगर पॉटिंग मिक्स सूख जाएगा तो सीड जर्मिनेट नहीं होगे, और पॉटिंग मिक्स को हमेशा मॉइस्ट भी रखना है आपको, ड्राई ना होने दे। जब प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाए तब वाटरिंग कम कर सकते हो, क्योंकि इसे ज़्यादा वाटरिंग भी पसंद नहीं है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारे जो कॉटन का सीड है वो जर्मिनेट हो चुका है, और साथ में कॉटन भी लगा है। आप इसे खुद से ना हटाएं, वरना जो सीडलिंग है वो डैमेज हो सकती है। इसे अपने आप ही प्लांट से अलग होने दें। अभी इसी में बड़ा होगा। मंथली इसे खाद देनी है और पेस्ट अटैक का ध्यान रखना है, वो भी मैं आके दिखाऊंगी इसी वीडियो में, आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारे जो कॉटन के प्लांट है काफ़ी बढ़ चुके हैं, और देखिए काफ़ी सारी कलियाँ लगी हुई है। ये देखिए कॉटन का फ्लावर, इस तरह से फ्लावर खिलते हैं और उसके बाद सीड पोड बनता है और उसमें लगते हैं कॉटन। जब लगेगा तब मैं आपको हार्वेस्ट करके भी दिखाऊंगी इसी वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए मिट्टी काफ़ी ड्राई है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, ऐसे पानी आपको रेगुलर देना है। हल्की मिट्टी ड्राई होगी तो चलेगा, लेकिन एकदम से ड्राई ना हो, सूखी सूखी ना हो, ये अंदर से मॉइस्ट है मेरी मिट्टी। मिट्टी ड्राई होने पे पानी देना है, लेकिन समर में आप रेगुलर वाटरिंग करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है जिससे प्लांट भी ख़राब हो सकते हैं। ज़मीन में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पोट में ग्रो करते हैं तो मिट्टी को जो है नमी रखनी है। ये देखिए लीव्स किस तरह से हो चुके हैं, इन्हें पानी की ज़रूरत है। जब मैंने शाम को पानी दूंगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 15 से 20 दिन में एक बार खाद ज़रूर दे, इस तरह से गुड़ाई कर ले। अगर कोई वीड है तो वो निकाल दे। इस तरह से साइड से गुड़ाई करने के बाद इसमें खाद मिला दे 1 मुट्ठी। मैं वर्मी खाद दे रही हूँ, अच्छे से मिलाने के बाद इसमें पानी दे दे। खाद आप सुबह सुबह दे, जब प्लांट जो होता है वेल हाइड्रेटेड होता है तो ये जल्दी से खाद को अपने अंदर ले लेगा। और खाद देने के बाद पानी देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अंदर तक इसकी जो न्यूट्रिशन है पहुंच सके। फ्रेंड्स, कॉटन प्लांट में जो सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं वो होते हैं मेलीबग्स की अटैक। ये देखिए इस पर भी हुए हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप इस तरह से स्प्रे बॉटल ले, 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल और 5 ml लिक्विड सोप मिला ले और इस पर स्प्रे करें।
आप मैन्युअली भी रिमूव कर सकते हो इसे, ख़त्म कर सकते हो, हाथ से हटा सकते हो ग्लव्स पहन के, या जेट वाटर स्प्रे का फोर्सफुली स्प्रे करें तब ये निकल जाएंगे। आगे पीछे सब जगह स्प्रे करना है, इस तरह से आप स्प्रे करें तो ये ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसका स्प्रे शाम के समय करें, क्योंकि तब जो होता है पेस्ट अटैक ज़्यादा होता है, पेस्ट बहुत आता है शाम के समय इस पर। ये देखिए क्लीन हो चुका है। आप फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो, ये है सीड पोड, एक कॉटन का सीड पोड है टिंडे जैसा। कुछ फ्लावर्स गिर भी गए, कुछ तो सीड पोड बनते बनते ही गिर गए। ये देखिए क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चलती है, ये काफ़ी नाजुक होते हैं, तो पानी भी ना दे इसमें, शावर ना करें फुल फोर्स से वरना ये गिर जाएंगे। बस जब ये ड्राई होगा तब हम इसे हार्वेस्ट करेंगे कॉटन को। फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट कॉटन हार्वेस्ट करेंगे। ये देखिए सीड पोड ड्राई हो चुका है, इस तरह से इसे हार्वेस्ट कर ले। देखिए इसके अंदर सीड्स भी हो गए। फ्रेंड दूसरा सीड पोड भी हार्वेस्ट कर लेंगे, इसमें मुझे कम लग रहा है कॉटन। ये देखिए बीज अच्छे बने हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट वाले से मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है। ये देखिए ये है बीज, कॉटन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है बीज के साथ, थोड़ा तो रह ही जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें जितना निकाल सके। ये देखिए एक नहीं काफ़ी होते हैं इसमें, ये भी बीज है, बीज ज़्यादा मिलते हैं कॉटन से इसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्लांट्स लगाएं, इसके अंदर भी बीज है। ऐसे ही मैं बाकी भी हार्वेस्ट कर लूँगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हो 10 इंच साइज़ के पोट में भी देखिए सीड पोड लगे हुए हैं, और देखिए काफ़ी अभी भी बर्ड लगे हुए हैं। जेल और सीड पोड बनेंगे इसमें, ये देखिए फ्लावरिंग हो रही है अभी भी, और काफ़ी सारे बर्ड लगे हुए हैं। मैं इसे भी हार्वेस्ट कर लूँगी जब ये सूख जाएगी सीड पोड। प्लांट अभी भी हरे है, जब ये पूरी तरह से सूख जाएगी, स्टेम भी सूख जाएगी, तब इसे निकालना है प्लांट को, तब तक इसे रहने देना है। तो इसमें बर्ड और फ्लावरिंग होती रहेगी और ज़्यादा कॉटन मिलेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स ये हवा से टूट गया था, जो पर्दा है हमारा प्लास्टिक का वो हवा से उड़ रहा था, और ये वहीं था पोट, तो इसकी स्टैम टूट गई थी तो मैंने सेलो टेप से चिपका दिया था। तो देखिए जॉइंट भी हो चुका है, और इसमें भी देखिए बर्ड और फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए जल्द इसमें भी सीड पोड बनेंगे, तो बहुत ही हार्डी होते हैं,
आसानी से नहीं मरते और तेज़ धूप में हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव हो जाते हैं। तो आप भी ग्रो करें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब के बाजू में ये बेल नोटिफिकेशन है, उसे भी प्रेस करें ताकि ऐसे और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे।